ट स्टॉक अबाउट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन्टरप्रनोरशिप हमने पढ़ लिया कि ऑनटरप्रिन क्या होता है ऑन्टरप्रिनोरशिप क्या होता है एंटरप्राइज क्या होता है अब बात करते हैं कि ऑन्टोप्रिनोरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है कोई भी नेशन के लिए वी कैन सेट द प्रेजेंट कंडीशन डिमांड डेवलपिंग कंट्रीज टू मतलब हमें यह पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को आज के दिन में क्या करने की जरूरत है क्या करने की जरूरत है रीड करते हैं प्रोड्यूस इंपोर्ट सब्सिड्यूट गुड्स टू स्टॉप आउटफ्लो ऑफ नेशन वेल्थ ठीक है सबसे पहले तो जो गुड्स हम इम्पोर्ट करते हैं उसको रोको और वही गुड्स यहाँ पे बनाने शुरू करो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है मेक इन इंडिया चालू किया है क्यों चालू किया है ताकि हम लोग यहीं पे गुड्स बनाना शुरू करें और बाहर से जो गुड्स मंगाते हैं हम लोग उसको बंद करें सेकंड produce more and more consumer goods and services to meet the increasing demand of these goods locally theek hai aur hame kya karna hai hame hamari production ko increase karni hai kyun taki jo demand dheere dheere goods and services ki increase ho rahi hai wo hum fulfill kar sake देखो अगर हम लोग डिमांड को locally fulfill नहीं कर पाते हैं ना तो country के पास में और कोई option नहीं बचता है but to import these goods and services तो एक developing country को क्या करने की जरूरत है एक डेवलपिंग कंट्री को सबसे पहले तो ये सारे इंपोर्ट बंद करो दूसरी चीज़ अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करो ताकि इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़े थर्ड गुड थर्ड पॉइंट इज प्रोड्यूस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट परपज टू अर्न मोर एंड मोर फॉरन एक्सचेंज आप क्या बोल रहे हैं इतने गुड्स प्रोड्यूस करो और इस क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करो कि हम लोग इन गुड्स को एक्सपोर्ट भी कर सकें एक्सपोर्ट करने से क्या होगा हमारी कंट्री में फ़ॉरन एक्सचेंज जो है वो इंक्रीज होगा ठीक है तो ये बेसिक चीज़ें थी अब देखते हैं कि क्या पॉइंट्स है इंपॉर्टेंस के ऑफ द ऑनटरप्रिनोरशिप सबसे पहला होता है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन अब देखो एक चीज सिंपल है अगर एक कंट्री है जहाँ पे सब लोग सिर्फ नौकरी करते हैं तो वो कंट्री की इकोनॉमी कैसी होगी आप खुद सोचो है ना और एक कंट्री है जहाँ पे सारे ऑन्टोप्रिनोरस हैं वो बाहर के लोगों को भी एम्प्लॉय करते हैं तो वो कंट्री की इकोनॉमी सोचो कैसी होगी है ना तो देखो यार्डस्टिक होता है ऑन्ट्रोप्रीनोरशिप इज़ दार्ड स्ट्रिक ऑफ द इकोनॉमी यानी वो मेजर करता है कि कंट्री की इकोनॉमी कैसी है क्यों डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी होती है वहाँ पे आउटसोर्सिंग काम होता है वो लोग दूसरों के काम करते रहते हैं या फिर दूसरे के कंट्रीज में जाके नौकरी करते हैं जैसे इंडिया है इंडिया में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो यू या यू में जाके काम करते हैं और डेवलप्ड इकोनॉमी आप देखो लाइक यू एंड यू वहाँ पर इतने ऑन्ट्रोप्रीनोर्स है कि वो बाहर के लोगों को भी एम्प्लॉय करते हैं तो ऑनट्रोपेनोज जितने ज़्यादा होंगे ना एक इकोनॉमी एक एक में उतनी स्पीड में हमारी इकोनॉमी इंक्रीज होगी क्यों क्योंकि वो लोग एम्प्लॉयमेंट देने के भी काबिल होते हैं ठीक है दूसरा पॉइंट प्रोवाइड इनोवेशन ऑन्ट्रोपेनोर्स का काम क्या होता है कोई नई चीज़ करना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी कुछ नया डाल देना दैट इज़ इनोवेशन तो अगर ऑन्ट्रोपेनोज ज़्यादा है एक इकनॉमी एक एक में तो वहां पर न्यू न्यू चीज़ें डेवलप होगी न्यू न्यू मशीन्स न्यू न्यू मेथड्स टू डू थिंग्स विल डेवलप ठीक है इकोनॉमी डेवलप हो रही है नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी कैसी होगी ग्रोथ ऑफ़ इनमी भाई ऑन्ट्रोप्रेनोर्स हैं इन्होंने क्या किया एक एंटरप्राइज चालू करी है अब एक एंटरप्राइज चालू होने के चक्कर में दस या बीस लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिल गई यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो गया पॉवर्टी रिड्यूस हो गई तो एक तरीके से कंट्री ने ग्रो कर लिया दूसरा पॉइंट समझो ऑन्टोप्रेनोर फेमस होते हैं इस चीज़ के लिए कि वो नई नई चीज़ों को बहुत फटाफट एडॉप्ट करते हैं तो मार्केट में क्या आएगी न्यू टेक्नोलॉजी न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आएंगे तो अल्टीमेटली वापस हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी ग्रो हो गई मॉडर्नाइज हो गई ठीक है तो पहला पॉइंट क्या था लाइफ लाइन ऑफ द नेशन दूसरा क्या था प्रोवाइड्स इनोवेशन एंड थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज प्रॉफिट एक ऑन्ट्रोप्रेनोर का सबसे बेसिक मोटिव क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना प्रॉफिट अर्न करने के दो ही तरीके होते हैं या तो अपना सेल्स प्राइस बढ़ा दो या तो फिर अपना कॉस्ट प्राइस रिड्यूस कर दो अब ये जो कंपटीशन है जहाँ पे नेक टू नेक कंपटीशन है वहाँ पे एक ऑन्टरप्रेनोर अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा वो क्या करेगा अपना कॉस्ट प्राइस कम करेगा तो जितने ऑन्टरप्रेनोर्स होते हैं ना इकोनॉमी में उतना ज़्यादा एक बेनिफिट होता है कि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रॉ मटीरियल मेथड्स ऑफ डूइंग थिंग्स या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये सब चीज़ें कम होती जाती है नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दिया जितने ऑन्ट्रप्रेनोर्स होंगे इकोनॉमी में उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी अगर एक ऑन्ट्रोप्रेनोर एक एंटरप्राइज से दस या बीस लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है तो जस्ट इमेजिन कि अगर हजार एंट्रोप्रेनोर हो गए टेन थाउजेंड ऑंट्रोप्रेनोर हो गए इकोनॉमी में तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी नेक्स्ट होता है सोशल बेनिफिट्स देखो जितने भी ऑंट्रोप्रेनोर होते हैं ना उनके दिमाग में हमेशा एक चीज होती है कि हमने रिसोर्सेज यूज करें सोसाइटी के टू प्रोड्यूस आर गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है तो इनके दिमाग में हमेशा एक पे बैक वाला सीन होता है कि वी हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी एज वेल ठीक है तो ये लोग क्या करते हैं ये लोग अलग अलग चीजें करते हैं फॉर द सोशल बेनिफिट लाइक प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट ओपनिंग अप हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स फॉर द ओल्ड एज और फॉर द चिल्ड्रन ठीक है प्रोवाइडिंग मिड डे मील ऐसी कुछ भी चीजें हो सकती है प्लांटेशन ऑफ ट्री पल्यूशन फ्री एनवायरमेंट देना लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देना ये सब चीज़ें भी ऑन्ट्रोप्रेनोज करते हैं तो हमें समझ में आ गया कि ऑनट्रोप्रेनोज या फिर ऑन्ट्रोप्रेनोसिप हमारे सोसाइटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑन्टप्रनोरशिप